वेलकम टू माई चैनल मिस क्यूरियोसिटी। तो आज मेरी फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पे, मैं होप करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हॉरर फैक्ट्स के बारे में। हॉरर चीज़ें तो हम इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जो मेरा सबसे फेवरेट हॉरर व्लॉगर है वो है अंकुर कश्यप। आप देख सकते हैं मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लिखा है। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हॉरर फैक्ट्स के बारे में। थोड़ा जो मौसम है उसको थोड़ा चेंज करते हैं, हॉरर लुक में लाते हैं। कि जो हमारा फर्स्ट है वो है कि आप लोगों ने देखा होगा कि रात को हमें नाइटमेयर्स आते हैं जिससे हमें लगता है कभी हम ऊपर से गिर गए या किसी ने हमारा पैर खींच लिया या कुछ हो गया। कभी किसी ने नोटिस करा कि वो आखिर होता क्यों है हमारे पास? एक किसी ने बताया है फ़ोटो में जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई है कि जो हम ड्रीम्स देखते हैं अपने सपने में वो एक्चुअली पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ज़्यादातर हमारे रूम में एक घोस्टली प्रेजेंट होती है जो हमारा ब्रेन होता है वो हमें ये चीज़ बताने की ट्राई करता है कि हमारे रूम में कोई प्रेजेंस है, कोई स्पिरिचुअल प्रेजेंस है। तो हमें सेंस देता है कि उठने की, जिससे हम एकदम से झटके से उठते हैं और हमें लगता है या तो किसी ने हमारा पैर खींचा है या हम ऊपर से नीचे गिर गए हैं। सीरियसली मेरे को तो बहुत ज़्यादा आते हैं, माय गॉड। जो सेकेंड हमारी फ़ोटोग्राफ है हमारे पास, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमने देखा कि रात को बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज आते हैं हमारे ऑल अराउंड होते हैं और रोड पर तो अंधेरा होता ही होता है, हम लोग बीच में रुक जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के साथ, जो वुड्स होती हैं हर जगह वहाँ पर अगर आप किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनो तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। उस रोने की आवाज़ को एक नाम दिया है, वो है तिया नाक। तिया नाक उस बच्चे की रोने की आवाज़ का नाम दिया। और अगर आप उस बेबी के क्राई जो करता है उसके पीछे, उस आवाज़ के पीछे जाते हो और आपको बेबी भी दिख जाता है, और अगर आप उसको उठा के, लिटरली अगर आप उसको उठा के देखोगे तो वो बेबी एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। उसके बाद क्या होएगा आपके साथ वो तो भगवान जानता है, बट इस फोटो में क्लियरली यही लिखा हुआ है। ओके, नाउ आई एम स्केर्ड। थर्ड फोटो थोड़ी सी मेरे लिए डिस्टर्बिंग है। हम सब लोगों को हंसना बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी भी मैं हंसी रही हूँ। हंसना, या कोई जोक मार दे उस पर हंसना, कोई गिर जाए तो स्पेशली और ज़्यादा हंसी आती है, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को कोई टीचर डांट दे तो सबसे ज़्यादा हंसी आती है उस पर। एक कहीं पर कहा गया है कि एटलीस्ट 10 रिकॉर्डेड केस हो चुके हैं जो लोग हंस हंस के जिनकी डेथ हुई है। लिटरली जो बंदे हंस रहे हैं, जैसे मुझे किसी ने जोक सुनाया मैं हंस रही हूँ जोर जोर की और मैं मर गई, लिटरली ऐसे लोगों के साथ हो रखा है। और मैं तो सबसे ज़्यादा हंसती हूँ, मैं तो हंसती रहती हूँ, कुछ चाहे अगर मेरे को डर लगे या कोई मेरे को डांट दे तो मैं तो हंसते ही हंसना है, अब से मेरा हंसना भी बंद है। जो नेक्स्ट फोटो है हमारी वो तो मतलब बिल्कुल ही रियल लाइफ बेस्ड है। जैसे हम शीशे में देखते हैं तैयार हो रहे होते हैं तो हम अपने आप को कुछ और ही समझ रहे होते हैं कि हम ये हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, बट अगर हम मिरर में बहुत ही ज़्यादा देर तक देखते रहते तो हमारे ब्रेन में अलग से एक इमेजिनरी इमेज बनने लगती है, मॉन्स्टर जैसे। जैसे अब हम किसी उसमें देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ सामने ना आ जाए, या हमने उधर मुंह करा होगा तो ऐसा लगेगा कि सामने वाली इमेज ने हमारी तरफ ही मुंह ना कर रहा हो। ज़्यादातर ये डर रहते ही है कि हम कुछ और कर रहे हैं और हो सकता है कि मिरर आगे कुछ और कर दे, थोड़ा हॉरर हो जाता है ये, ज़्यादातर मेरे साथ भी हो ही जाता है, तो थोड़ा मिरर कम ही देखना चाहिए। मूवी आई थी कॉन्ज्यूरिंग, जो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती है। राज मूवी के बाद सबसे ज़्यादा डरावनी मेरे को कॉन्ज्यूरिंग और एनेबल ही लगी है। बट एक्चुअली में जो कॉन्ज्यूरिंग और एनेबल है वो रियल इवेंट्स पर बेस्ड हुई है, ऐसे बहुत लोगों ने बताया है। जो एनेबल डॉल आपने देखी होगी कैसी दिखती है, वो एक्चुअली में हमें लगता है कि वो स्टोरी है, बट एक्चुअली वो स्टोरी है ही नहीं, वो एक रियल डॉल है।
एनेबल क्रिएशन मूवी जो थी उसमें लास्ट में उस डॉल का रियल लुक दिखाया गया था। आप फोटो में देख सकते हैं पीछे कि वो आखिर जो असली डॉल कैसी दिखती है। और ये चीज़ सच है कि इस डॉल ने इतना सब कुछ किया क्योंकि ये एक पोजेस्ड डॉल है और इसका नाम रेजेडी एन डॉल है। तो ये बहुत ज़्यादा स्केरी है। मेरे पीछे भी दो पिल्लों हैं जिनकी शक्ल बनी हुई है। अब मेरे को भी उनको देख के डर लग रहा है कि अलग सी शक्ल ना बना लेगी। फिफ्थ है जो कॉन्ज्यूरिंग मूवी अभी मैंने आपको बताया, उसमें जो वो थी लॉरेन जो सबका केस हैंडल करती थी सब लोगों का, उसका नाम एक्चुअली है वेरा फार्मिगो। वेरा फार्मिगो ने ये चीज़ क्लेम करी कि जब मूवी स्टार्ट हुई या फिर एक्चुअली वो मूवी इतनी ज़्यादा हॉरर है कि वहाँ पे हॉरर चीज़ें होना तो पॉसिबल ही पॉसिबल होता ही होता है। हम भी कहीं जाते हैं हॉरर जगहों पे, लाइक बहुत सारी जगहें हैं दिल्ली में तो लाइक मलचा महल एंड ऑल, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें ऐसा अजीब सा लगता है। उन्होंने तो कितनी बड़ी शूटिंग करी और एक हॉरर फिल्म बनाई है। तो वेरा फार्मिगो ने बताया कि उसने अपनी स्किन पे 3 अनएक्सप्लेन्ड क्लॉज मार्क्स नोटिस करे थे जब शूटिंग था फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग पर। तो ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग है क्योंकि उन्होंने तो कितनी लंबी मूवी बनाई है तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा उस मूवी के अंदर। बहुत सारी न्यूज़ आई है कि कॉन्ज्यूरिंग मूवी जब बन रही थी तो अलग अलग चीज़ें हो रही थी सेट्स पर। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो वही जानते हैं। एक लास्ट फोटो है अब मेरे पास। एक बंदा था एडवर्ड मॉड्रिक करके। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं जैसे हमारा फेस यहाँ पे है, पीछे तो हमारा कोई सर है नहीं या हम पूरी मुंडी तो अपनी घुमा नहीं सकते। एक बंदा था एडवर्ड मॉड्रिक जो बॉर्न हुआ था एक एक्स्ट्रा फेस के साथ। जैसे हमारा सामने मुंह है उसका पीछे भी एक मुंह था, उसके बाल खाली इस जगह पे थे और पीछे उसका पूरा एक मुंह था। उसने बताया कि वो जो उसका फेस था पीछे वाला वो कुछ बोलता नहीं था, कुछ नहीं करता था, सिर्फ हंसता और रोता ही था उसका वो पीछे वाला फेस। उसने डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा एक तरह से भीख मांगना, उसने बोला कि मेरा ये जो डेमन फेस है वो प्लीज़ आप रिमूव कर दीजिए, बट डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ये एक्चुअली में एक ख़तरा भी है लाइफ को और ये बहुत ही अलग चीज़ है। और उसने ये भी क्लेम किया कि रात को उसका पीछे वाला सर अलग अलग हॉरिबल चीज़ें बोलता था, कुछ अलग सी चीज़ें बोलता था, हंसता था और रोता था, हॉरिबली चीज़ करता था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया और 23 की एज में उसने सुसाइड कर ली थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान था। ऑब्वियसली अगर हमारे पीछे कोई सर है वो रो रहा है हंस रहा है, ये एक्चुअली में एक बहुत ही ज़्यादा अलग सी बात है कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो अब इतनी सारी स्टोरीज़ हमने देख ली, अब मैं एक स्टोरी अपने भी बताना चाहूँगी। इस स्टोरी पर कभी मम्मा या पापा ने बिलीव नहीं करा। तो ये स्टोरी है कि जो मेरा हम पहले वाले घर में जो रहते थे जब मैं 12 इयर्स की थी, ये वाला घर नहीं था हमारा, कहीं और रहते थे हम, तो वहाँ पे बहुत अलग अलग सी चीज़ें हो रही थी। मैंने जैसे यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, मैं वापस आती थी कहीं से तो वो पेपर एक्चुअली में नहीं होता था, या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें होना, टीवी मैं ऑन करके जाती थी तो ऑफ़ हो जाता था वो अपने आप। अब भी थोड़ा सा आपको हो सकता है झूठ लग रहा हो बट ये एक्चुअली में सच है। एक दिन मैंने एक हेयर स्टाइल बना रखा था, मेरे को सेल्फ़ी लेने का बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम पे, अभी भी है, तो मैं फ़ोटो ले रही थी तो मैंने अपना फ़ोन ऐसे पकड़ रखा था और ऐसे कर रखा था। पीछे किचन था, मैं हॉल में थी तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक औरत खड़ी है। उसने कपड़े वाइट ही थे, उसके वाइट थे क्या थे बट मैं उसे अच्छे से नोटिस कर सकती थी। उसका शक्ल मेरे को नहीं दिखा, उसके बाल आई थिंक आगे की तरफ थे, इतना मेरे को ब्लर है थोड़ा सा, इतना नहीं पता, बट मैं क्लियरली ये बता सकती हूँ कि मैंने अपने कैमरे में पीछे कुछ ना कुछ देखा था, कोई एक बंदा या बंदी खड़ा ही हुआ था वहाँ पे, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और मेरा भाई सिर्फ 1 साल का था उस वक्त और मैं उसको लेके लिटरली नीचे चली गई थी, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। 1 घंटे बाद मेरी मॉम आई तो मैंने कुछ बताया नहीं उनको कि मैं क्यों हूँ नीचे, बट थोड़े टाइम के बाद हमने 1 महीने के बाद वो घर छोड़ दिया था। और अब मैं उनको बताती हूँ तो उनको बिलीव नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही। तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो थोड़ी सी हटके है, इन चीज़ों से हटके, इस वातावरण से हटके है, तो देखते हैं।
कि अभी आपको लोग सरप्राइज़ है कि आखिर वो क्या होगी। अब फ़िलहाल के लिए सब्सक्रिप्शन बटन पूरा फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर करना तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपने मेरे से पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो बहुत जल्दी पोस्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपने अपना टाइम दिया मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर और सेफ रहिए। बाहर कोरोना है, घर में घर पे आराम से टीवी देखना है। थैंक्स टू माई चैनल मिस क्यूरियोसिटी। तो आपका आज दोबारा से मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। आज मैं करने वाली हूँ 3 AM ब्लडी मैरी चैलेंज। बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज कर लिया है, मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये कर चुके हैं, और मोस्ट ऑफ देम उसमें से लड़के ही हैं। बहुत ही कम लड़कियों ने ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया है, बट लड़कियों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच कि मेरे चैनल पे 10 डेज़ के अंदर ही, 10 to 15 डेज़ के अंदर ही 126 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अभी थोड़े दिन, एक दो दिन पहले यूट्यूब का मेरे पास मैसेज आया था कि 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे पार हो चुके हैं, और मैं बहुत खुश थी उस वक्त कि इतनी जल्दी मैंने आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट ले लिया और इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हो गए। मैं बहुत ज़्यादा दिल से आपको थैंक यू बोल रही हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो ऑब्वियसली अभी तक यहाँ तक मैं वीडियो नहीं बना पाती और गिव अप कर चुकी होती। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लडी मैरी चैलेंज जो है, आखिर ब्लडी मैरी थी कौन और उसकी स्टोरी क्या है। तो ब्लडी मैरी चैलेंज करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर उसकी क्या स्टोरी है, उसका नाम ब्लडी मैरी क्यों पड़ गया। कहते हैं कि उसका नाम मैरी था, और वो एक जगह पर रहती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। जब उसकी शादी हुई, शादी के थोड़े साल तक उसको बेबी नहीं हो रहा था, काफ़ी ट्राई हुआ बट नहीं हुआ उसका बेबी। तो एक दिन वो एक तांत्रिक के पास गई और उससे पूछा कि मेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने बोला कि तुम्हारा कभी भी बच्चा नहीं हो सकता है। ये चीज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, और उस वक्त वो कुछ भी करने को तैयार थी ताकि उसको एक बेबी मिल जाए। वहीं पे किसी ने गांव में से उसको बोला कि तुम भूतों की पूजा करो, डेमन्स की पूजा करो। तो उसने ये चीज़ स्टार्ट कर दी, वो भूतों की पूजा करने लग गई और इन सब काला जादू इन सब में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गई। तो उसको एक बच्चे की बलि चढ़ानी होती थी हर अमावस्या की रात को। ऐसे ही वो हर अमावस्या की रात जब आती थी वो एक बच्चे की बलि चढ़ा देती थी। पर एक दिन अमावस्या की रात पे वो जब एक बच्चे की बलि चढ़ाने वाली होती थी, गांव वालों को ऑब्वियसली लग रहा था कि उनके बच्चे आखिर कहाँ जा रहे हैं, तो किसी ना किसी पे शक जाना ही था। तो उन्होंने उसको ये चीज़ लाइव करते हुए पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब मैरी ने देखा कि हर जगह गांव वाले हैं, तो वो वहाँ से बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया, उसने वहीं पे घेर दिया और वो भागने लग गई। घेरने के बाद वो वहाँ से बहुत ज़ोर की भागने लगी। गांव वालों ने बच्चे को फटाफट से उठाया और उसके पीछे भागे। फिर एक जगह पे आके बिल्कुल गांव के बीचों बीच सारे गांव वालों ने उसको घेर लिया वहीं पर, और उसको एक वहाँ पर जगह पर बांधा और उसको ज़िंदा जला दिया। ज़िंदा जब उसको जला रहे थे वो बहुत चीख रही थी कि मुझे बचाओ, मैं ऐसा नहीं करूँगी, दोबारा नहीं करूँगी। बट उसकी किसी ने नहीं सुनी क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। जाते जाते उसने ये श्राप दे दिया था कि वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। तो ऐसा कहा जाता है कि रात को अगर 3 बजे हम मिरर के सामने कैंडल जला के 3 बार ब्लडी मैरी बोले, तो चांसेस हैं उस की आत्मा की जो प्रेजेंस है वो आसपास आने के। अभी तक इतना ज़्यादा नहीं दिख पाया है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, बट थोड़ा बहुत उन्हें लगा है कि थोड़ी बहुत प्रेजेंस या फिर नेगेटिविटी आई है। तो आज वही मैं चेक करने वाली हूँ। अभी रात के 12:58 हो रहे हैं, यू कैन सी 12:58 हो रहे हैं, और अभी मेरे घर पे कोई भी नहीं है। आज अगर होता तो ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड मेरे को ये चैलेंज नहीं करने देते, उनको नहीं पसंद कि मैं ये सब चैलेंज भूत वाले करूं, कौन चाहेगा ऑब्वियसली। तो अब जब 3 बजेंगे रात के, तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी ये
चैलेंज, तब तक वेट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं सो गई थी एंड अब मैं उठ गई हूँ एंड इट्स ऑलरेडी 2:54। कैन सी दिस, इट्स ऑलरेडी 2:54 एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना चैलेंज ब्लडी मैरी। एंड अभी जो हमें चीज़ें चाहिए और क्या क्या करना है उसके लिए मैं वो सारा जो भी है सामान वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ये कैंडल जलानी है प्रोसीजर के लिए हमारे। फिर तो मैंने इसको कटोरी में इसलिए रख लिया ताकि जो मोम है वो मेरे पे ना गिरे। तो हम चलते हैं। तो अब इसके लिए मेरे को मेरे पूरे घर की लाइट्स वगैरह ऑफ़ करनी पड़ेगी, तो मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। तो अब इसके लिए मैं लाइट बंद कर देती हूँ अपने घर की सारी लाइट। ओके सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ मेरे घर के आगे और ये मेरी दोनों है। स्टार्ट करते हैं ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ओके, अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसे। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। तो पता नहीं अभी क्या हुआ, मैं यहाँ पे ब्लडी मैरी इतने में गई थी तो यहाँ पे मेरी लीड गिर गई और पता नहीं मेरा कैमरा भी फोकस खो रहा है अपने आप ही। आई डोंट नो, मैंने यहाँ पे अपनी सारी लीड्स वगैरह मैं रखती हूँ और ये एकदम से ऐसे नीचे गिर गई, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है। अभी मैंने अपनी कैंडल साइड में रख दी है। तो ये कैसे गिर गए, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मेरी लीड, ये टेडी बेयर कब आ गया है यहाँ पे? मेरे को लगता है ये चैलेंज मेरे को बंद करना पड़ेगा। मेरा कैमरा भी पता नहीं एकदम से फोकस क्यों खो रहा है। कैंडल वगैरह सब बुझा दी है और यहाँ मेरी लीड वगैरह मैंने सब कुछ उसकी जगह पे रख दिया। एंड मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर गई हूँ कि घर पे कोई है नहीं और मेरा टेडी बियर और मेरा एक छोटा सा था वो गिर गया और लीड भी गिर गई और कैमरा भी फोकस खोए जा रहा है। तो अभी देखते हैं और थोड़ी देर तक फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि यहाँ तक ये सब हो जाएगा, चाहे ये छोटी चीज़ें हैं और बट इट वॉज रियली स्केरी फॉर मी। अब पता, मैंने अपनी घर की सारी लाइट्स वगैरह सब ऑन कर दिया है ऑलरेडी, सब ऑन कर दिया है मैंने। मैं लिटरली मेरे को स्वेटिंग हो रही है ऐसे, वो डर के मारे रियली शॉक्ड। तो ऑन वन सब कुछ कर दिया मैंने, अपनी कैंडल्स मैंने उसी वक्त ब्लो कर दी थी क्योंकि वहाँ रखने की जगह नहीं थी। तो जैसे मेरी वहाँ पे लीड, वैसे आज तक कभी नहीं हुआ कि मेरी लीड गिर जाए। ज़्यादातर जब फैन चल रहा होता है या कूलर चल रहा होता है तो हवा से वो गिर जाती है, बट ऐसे कभी भी मेरी लीड नहीं गिरी। एंड तब देखा तो टेडी बियर वहाँ नहीं था, बट एकदम से वहाँ पे टेडी बियर आ गया और ऊपर से मेरा एक टेडी बियर के साथ में था एक छोटा सा, वो भी नीचे गिर गया। और मैं, मेरा इस वक्त दिल इतना ज़्यादा धड़क रहा है एंड आई एम रियली रियली शॉक्ड। और मैं सब मॉम डैड को इतना ज़्यादा कर रही हूँ याद कि होते इस वक्त घर पे। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा कुछ होना चाहिए। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मैं आगे बहुत बात करना चाहती थी बट मेरे से नहीं हो रहा। लाइक यानी मेरा हाथ इस वक्त शेक हो रहा है डर के मारे एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई मॉम डैड टू कम होम एज सून एज पॉसिबल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आप सब्सक्राइब करें, तब तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं चार्ली चार्ली चैलेंज करने वाली हूँ। जो पिछला चैलेंज था वो मेरा ब्लडी मैरी था, उसके बाद कुछ हुआ नहीं तो मैंने कैमरा वगैरह सब बंद कर दिया था, कुछ हुआ नहीं। मेरे मॉम डैड भी आ गए थे बाद में। तो आज चैलेंज करते हैं चार्ली चार्ली। तो अकेले नहीं कर रही हूँ मैं, आज मेरा भाई है मेरे साथ में। ओके, तो आ गए हैं मेरा भाई। इनका भी यूट्यूब चैनल है के की बातचीत। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी, आपको सब्सक्राइब करना है वो चैनल और सारी वीडियोस लाइक करनी है। ये रोस्ट बनाता है टिकटॉक पे जो भी चल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चार्ली चार्ली चैलेंज। उससे पहले चार्ली की मैं स्टोरी बता देती हूँ, इतना मेरे को पता नहीं है बट जैसे जो चार्ली था
वो इंग्लैंड का एक डेमन कहा जाता है कि ना वहां पे ना किसी का नाम चारी चारी रखते नहीं है वो लोग। और उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसने सुसाइड कर ली थी। उसके बाद उसकी जो आत्मा थी वो सैटर्न के पास चली गई थी, और रात को अगर 3 बजे उसको कोई बुलाता है तो एक डेविल उसी के रूप में आता है और हमारी पेंसिल को ऐसे, अगर हमारी पेंसिल होती है उसको इसको घुमाता है। तो अभी हमने सारी प्रिपरेशन कर लिया, कैंडल रख लिया अपने। तो अभी 3:03 हो रहे हैं और हमने पूरी प्रिपरेशंस अपनी कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने कैंडल्स जला लिए हैं, 2 कैंडल्स सही होती है, और ये हमारी 2 पेंसिल्स, और हमने यस यस नो नो लिख लिया। अब हम पेंसिल को अपनी सेट कर देते हैं अच्छे से। तो हमने अपनी पेंसिल जो है सेट कर दी है। इसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बैलेंस बनाना मुश्किल है। अब हमें सबसे पहले चार्ली चार्ली बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं ताकि उसकी जो स्पिरिट है वो हमारे आस पास आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे बैलेंस में इसको आ गई। अब चार्ली 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 गाइस, एकदम से हमारी जो कैंडल है मतलब यानी बहुत ज्यादा ब्लिंग हो रही है और अचानक से इसकी प्रेजेंस अगर है नहीं है मुझे नहीं पता, बट हम स्टार्ट करते हैं कि इससे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं हम। ओके गाइस, तो अब मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या आपका मर्डर हुआ था। तो अभी हम पेंसिल अपनी सीधी कर देते हैं पहले। ये अभी हमने बैलेंस कर दी है अपनी पेंसिल। मैं पूछती हूँ इससे कि इसका मर्डर हुआ था या जो भी है। ओके चार्ली चार्ली, क्या तुम्हारा मर्डर हुआ था? चार्ली 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 चार्ली, क्या तुम्हारा मर्डर हुआ था? ओह माय गॉड, ओह एक्सट्रीमली हो गई है। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं और मर्डर वाले क्वेश्चन पे इसने बोला कि यस, और उसकी प्रेजेंस है तब भी इसने यस बोला, और हमारी कैंडल बहुत ज्यादा ब्लिंक हो रही है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ब्लिंक हो रही है। और ये जो क्वेश्चन पूछा उस पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन पे नॉर्मली यस आ गया, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमने मर्डर वाला, तो पेंसिल रुक नहीं रही थी, वो यस पे हो जा रही थी। हाँ गाइस, वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से घूम रही थी। अभी हम इससे पूछते हैं, जैसे रात है एकदम पूरा सन्नाटा है तो डर भी बहुत लग रहा है ऐसे करते हुए। इस वक्त हमारे पेरेंट्स भी सारे ऊपर सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता हम ये सब कर रहे हैं। और क्वेश्चन इससे पूछते हैं, दिखाती हूँ मैं। अभी ऐसे करना है, कुछ पूछेगा, मैं पूछूंगा। स्टार्ट करते हैं। चार्ली चार्ली, हमारा क्वेश्चन है, क्या तुम फ्रेंडली हो? चार्ली क्या, ओ शिट। ओके गाइस, तो अभी हमने इससे पूछा फ्रेंडली के बारे में, तो ही इज नॉट फ्रेंडली। फ्रेंडली नहीं है मतलब फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट से वो सीधा ना ही बीच में ब्रेक हुई पेंसिल, ना ही बीच में रुकी, वो सीधा नो पे आ गई। और बहुत ही एकदम से वो नो पे घुस गई, एकदम से नो पे आ गई वो। तो अब हम इससे लास्ट क्वेश्चन एक पूछेंगे और फिर हम ये गेम बंद करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा होता जा रहा है और हमें डर लग रहा है, डर बहुत लग रहा है, नेगेटिविटी बहुत आ रही है। हाँ जी, रात भी हो रही है, 3:00 इस वक्त ज्यादा ही हो गए हैं, तो फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि 4 भी बजने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे। मैं इससे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि क्या ये हमें हार्म करना चाहता है? ओके चार्ली चार्ली, क्या तुम हमें हार्म करना चाहते हो? चार्ली चार्ली, क्या तुम हमें हार्म करना चाहते हो? गाइस ये यस पे आ गई, और जो मेरी कैंडल है वो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा फ्लिकर कर रही है। आई थिंक मेरे को बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरी कैंडल बहुत ही तेज, और एक बुझ भी गई, एक कैंडल बुझ गई है। एंड ओके ओके रोशो, अब हमें आई थिंक बंद कर देना चाहिए, हम गुड बाय करेंगे इसको। तो अब हम इसको गुड बाय कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि कैंडल हमारी एक बुझ गई है और दूसरी भी बहुत ज्यादा हो रही है, और बुझने में ही है पूरी।
अब हम इसको गुड बाय करते, क्योंकि अगर गुड बाय नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके मेरी कैंडल भी बुझ गई है, अपने आप ही जब हम अप्लाई कर रहे थे और हमारी कैंडल बुझ गई, तो हम इसे गुड बाय करते हैं। ओके चार्ली 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 चार्ली, अब हम इस गेम को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, अब हम आगे नहीं खेल रहे हैं। ओके सो गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय। हमने ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने पेंसिल को दो पार्ट में कर दिया, दिवाया और इसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने। ओके गाइस सो हमने गुड बाय कर दिया है और बहुत ज़्यादा पसीने आ गए हैं सब डर के मारे, एंड हम बहुत डर गए क्योंकि कैंडल बुझ गई हैं, हमने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया, पेंसिल वगैरह तोड़ दिया हमने, और थोड़ा सा डर लग रहा है। कुछ आप बताओ क्या कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं तो समझो मतलब शॉक में है, शॉक में है, कुछ हम डर गए, हम बहुत ज्यादा डर चुके हैं अब तो। ओके आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, और केके की बातचीत को भी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो सो आई होप आप लोग सब हेल्दी होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, हैप्पी होंगे जिस मेरी तरह। तो आज की वीडियो फिर से आ गई हूँ मैं एक हॉरर चैलेंज लेकर। तो जो आज की वीडियो है हमारी वो ऐसी वैसी नहीं है, कोई घर पे कोई रिचुअल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना ब्लडी मैरी, नो चार्ली चार्ली, नथिंग। आज मैं जाऊँगी बाहर पार्क में, जो हमारे घर के पास में एक पार्क है, वो पार्क हॉन्टेड है। यस वो पार्क हॉन्टेड है, और ऐसा कहा जाता है वहाँ पे कि वहाँ 12 बजे के बाद उस पार्क में नहीं जाना चाहिए, 12 से 1 के बीच उस पार्क में, ऐसा कहा जाता है। मैं ज़्यादातर सुबह जाती हूँ वहाँ पे वॉक करने के लिए, जब से जिम बंद हुए हैं, तो ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं, बट जो लोग यहाँ पे बहुत पहले से रहते हैं उनको मेरे से ज़्यादा पता है इस बारे। आंटी रहती हैं, वो हर सैटरडे मैं देखती हूँ पार्क में आती हैं और पूजा करती हैं, एंड शी इज़ वेरी ओल्ड। वो उन्होंने अपनी एज बताई मेरे को, शी इज़ 82 एंड शी लुक्स सो फिट, क्योंकि मतलब क्योंकि क्या उसका कोई रीज़न ही नहीं, वो सीरियसली में बहुत फिट लगती हैं, और हर सैटरडे पार्क आती हैं, हर सैटरडे को शिव जी कहते दिन होता है, उनकी पूजा भी करती हैं। तो आज मैंने उनसे एक पूछा कि आंटी आप इतने आते हो पार्क में ये वो, तो उन्हें बताया मेरे को कि हाँ बेटा आती हूँ मैं ये वो, तो जस्ट फ्रेंडली हो गए हम थोड़ा। तो मैंने उनसे पूछा क्योंकि वहाँ पे जो वो जगह थी, वहाँ पे कुआँ है, तो वो थोड़ा ना अजीब सा लगता है, सिर्फ पुराने लोग वो चीज़ जान सकते हैं कि आखिर वहाँ का क्या रीज़न है, वो ऐसे क्यों है। तो उन्होंने बताया मुझको कि इसका एक रीज़न है, मैं तुझे बताती हूँ। तो उन्होंने अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी जो बहुत ही हॉरर है, अपने ईयरफोन से या फिर अपनी पूरी फ़ोन की वॉल्यूम तेज़ कर लो अभी सुनने के लिए। तो स्टोरी ऐसी है कि वो जो कुआँ है, कहते हैं कि वहाँ पे कुआँ था जिसमें पानी था, पर उसमें बहुत कम मात्रा में पानी था, बहुत ही कम क्वान्टिटी थी उसकी पानी की, तो वहाँ से कोई पानी वानी नहीं निकालता था, जस्ट वो एक ऐसे मान लो शोपीस के लिए था। और वो जो जगह थी वो पहले बहुत ही अच्छा एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक मंदिर, एक पार्क, एंड सेकंड वन इज़ जो हम एक वहाँ पे क्लिनिक है, उस चीज़ में उनको डिवाइड कर दिया गया। तो आंटी जब 16 या 17 की थी, उन्होंने खुद बताया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को पिछली बार भी वीडियो में बोला था कि इससे ज़्यादा तो बिग बॉस ही रियल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम वीडियो बना रहे हैं, हमें पता है कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप रिकॉर्डिंग करते हुए हमारे साथ बैठ सकते हैं, जस्ट सेंड मी योर नंबर विद योर एड्रेस सो आई कैन पिक यू अप, आपको आने की भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे वहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते थे फुटबॉल बैडमिंटन, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको ऐसे डराने के लिए जस्ट बोला जाता था, कि वहाँ के जो पुराने लोग जैसे डराने के लिए बोलते थे कि आप मत खेलो, जल्दी घर आ जाओ, 7 बजे से पहले जाओ वरना चुड़ैल आ जाएगी या भूत आ जाएगा, ऐसे ही कुछ बोलते थे वो, फटाफट से बच्चे फटाफट चले जाते थे। वहीं पे एक बच्चा रहता था बिल्कुल पार्क के पास में, एक बच्चा रहता था, वो उसको खेलने का बहुत शौक था। आंटी ने बताया कि वो आंटी के पास भी आता था, वो दोनों साथ ही खेलते थे, कि आंटी भी छोटी थी 16 की और वो बच्चा 9 ईयर्स का था, बच्चा 9 ईयर्स का था, तो
उसके पास बॉल थी, वो नई नई बॉल लेकर आया था, उसने आंटी को दिखाई थी कि वो नई बॉल लेकर आया है, तो वो खेल रहा होगा बॉल, शायद उससे बॉल पार्क में वहाँ पे रह जाती है। तो रात को करीब 11 बजे, जब वहाँ उस टाइम पे तो ऑब्वियसली सब लोग जल्दी सो जाते थे, इतना कुछ चोरी वोरी का भी डर नहीं रहता था, तो वो तो उसने देखा कि वो जो कुआं था वहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे, उसकी कुएं के कॉर्नर पे उसकी बॉल रखी हुई थी। वो आगे गया अपनी बॉल ले, जब वो अपनी बॉल ले रहा था तो या तो वो उसमें गिर गया खुद, या तो किसी ने उसको धक्का मारा। जब वो नीचे गिरा, उस पानी का जो लेवल था वो कम था, तो उसके डूबने का खतरा भी ज़्यादा नहीं था। तो उसने अपनी बॉल उठाई और वहाँ पे एक रस्सी लगी हुई थी कुएं के पास में, रस्सी लगी हुई जिससे अगर कोई बाय चांस कुछ गिर जाता है तो फिर ऐसे उठा लिया जाए, बकेट के साथ में वो रस्सी लगी हुई थी। बट जैसे ही उसने वो रस्सी पकड़ी, वो रस्सी वहाँ से जहाँ पे वो टाइड अप थी वो निकल गई और वो बच्चा गिर गया। और जब वो बच्चा गिरा तो वो डूब गया। अब ये थोड़े लॉजिक की बात है कि इतने कम पानी में वो बच्चा कैसे डूब गया। अब वो स्केरी है ये चीज़ भी, क्रीपी है कि उस चीज़ जगह में कुछ ऐसा था। नेक्स्ट डे जब उसके मम्मी पापा उसको ढूंढ रहे थे तो वो नहीं मिला। शाम को बच्चे जब खेल रहे थे तब बच्चों ने देखा वहाँ कुएं में कुछ गिर गया था उनका, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बच्चे की लाश है, लाश है। तो वहाँ पे बुलाया गया सबको, पुलिस वगैरह को, तो पता लगा कि ये वही बच्चा है जो गायब हुआ था। उन्होंने उस बच्चे की जो बॉडी थी वो निकाली, उसको निकाला, उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब किया। मेरे को बहुत बुरा लगा जब आंटी ने मेरे को ये बात बताई, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। एंड बहुत बेचारा बच्चा, वो छोटा सा अपनी बॉल ही तो लेने गया था। देन कहा जाता है कि उस पार्क में मिट्टी भर दी गई, मिट्टी पत्थर पत्ते सब कुछ भर दिया गया और उसको बंद कर दिया गया। जब वो कुआं बंद हुआ था, उसके साथ में एक फाउंटेन था, फुआरा था जिसको हिंदी में कहते हैं फुआरा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाता है, 2-3 दिन के बाद बंद हो जाता है वो। वो बंद होने के बाद वहाँ पे एक दीवार बना दी, पीछे की तरफ दीवार बना दी, और जो भी वहाँ पे पत्थर वगैरह लगे होते वो सारे पत्थर कुएं में डाल दिए, फुआरे के ऊपर रख दिए, और एक तरह से वो सब कुछ डैमेज कर दिया इस चीज़ के बाद। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये माना जाता है कि वहाँ पे कुछ है ऐसा, 12 बजे के बाद ऐसा कहते हैं कि कुछ है वहाँ पे, कुछ प्रेजेंस है। बहुत लोगों को जो आसपास वहाँ रहते हैं उनको अजीब सी कभी कभी चीखें भी सुनाई देती हैं, चीखें मतलब रोने की, 1-2 बार, ज़्यादा बार नहीं, यानी रोज़। वहीं जा रही हूँ उसी पार्क को एक्सप्लोर करने की आखिर वहाँ की क्या सच्चाई है। अभी बज रहे हैं 11, मैं जाऊँगी वहाँ 12 बजे, एंड मैं आपको शो करूँगी कि क्या है आखिर वहाँ पे, क्या होता है क्या नहीं होता, या फिर सिर्फ कहानियाँ हैं। पार्क में पहुंच चुकी हूँ। मेरे को ऐसा था बिलीव कि पार्क में हो सकता है लाइटें वगैरह बंद होगी, पर ऐसा कुछ है नहीं। अभी रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त, तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसको, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। वैसे तो उन्होंने बोला था कि 12:30 के बाद ही होता है, लेट्स सी। पहले वहाँ की वो जगह दिखाती हूँ कि वो जो कुआँ, वो जहाँ पे वो दीवार बन गई है, वो आखिर कहाँ पे है, किस जगह पे है। डर लग रहा है क्योंकि ना इस दीवार के एक आगे और मंदिर भी है वैसे तो, पर उस साइड बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। माय गॉड, व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज ऑफ यू गाइस। अब इसी बात पे सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को। ये रहा वो, ये पूरा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये जो ये वाली जगह, इस जगह पे पहले फाउंटेन था पर यहाँ पे दीवार बना दी गई है, और जो कुआं है, कुआं ये रहा, ये है वो कुआं, आपको दिखाती हूँ। ये कुआं है जहाँ पे ऐसे मिट्टी वगैरह सब कुछ डाल दिया गया था, मिट्टी वगैरह डाल दी थी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पौधे आ गए उसके ऊपर, खाती हूँ मैं। ये देखिए, देखिए ये सारे पत्थर वगैरह पत्ते वगैरह डाले हुए हैं, मैं डर गई सॉरी। तो और जगह ना ये लगती है क्योंकि यहाँ पे पूरा अंधेरा है और ये बेंच है, पूरा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को यहाँ पे, जब सुबह आती हूँ तब भी और वैसे भी। तो मैंने कोई जगह दिखाई पूरी पूरी बिखरी हुई है यहाँ पे, मैंने देखा है कि कभी भी सफाई नहीं होती। और ये यही जो पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है, आंटी ने मेरे को बताया था ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और ये बताया मेरे को कि सारे पत्थर वगैरह इतने पुराने पत्थर हैं ये सारे के सारे, ये पत्थर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो है पूरी, ठीक है, और ये पत्थर वगैरह ये सब आंटी ने बताया था
कि जो ये है ना, पहले बहुत अच्छी दिखती थी, अच्छे से रखा गया था, पर फिर बाद में तोड़ दिया गया था इसको। वो जगह दिखाती हूँ जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है वो जगह। वहाँ चलते हैं। सामने जो है पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, और ये अलग ही है। कौन बर्तन फेंक रहे थी रहा। और ये देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। नहीं, वहाँ काफी बड़ा ना आवाज आई थी ना, कैसी थी? अभी हम चढ़ रहे थे दोनों, तो पीछे से ना झाड़ियों में ऐसे लगा कि कुछ है, और जैसे है नहीं है यहाँ पे कोई कुत्ता वुत्ता इतनी रात को नहीं है, कुत्ते भी भौंकने लग गए हम। जैसे मतलब हम चल रहे हैं दोनों, मम्मा और मैं साथ में, पापा नहीं आए मेरे साथ में, तो और ज़्यादा डर लग रहा है। तो हम जब चल रहे हैं आगे आगे जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ना साथ में पीछे भी कोई हमारे चल रहा हो, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि पीछे कोई चल रहा हो हमारे साथ साथ। कोई है नहीं पीछे, बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये भी डर लग रहा है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। बार बार झाड़ियों में से ना चलने की आवाज़ है, बहुत बुरी तरह से आवाज़ आ रही है पीछे से, कोई चल रहा हो जैसे, बट कोई है नहीं। बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आई है, मैं फटाफट मैं चेक करने जा रही हूँ कि आखिर कहाँ से आई है आवाज़। मेरे को लग रहा है डर कि सच्ची में बहुत ही ऐसा लगा कुछ गिरा हो। मैं फटाफट देखती हूँ, ये बेंच है। मैं लिटरली कसम से अभी अभी यहाँ से गुजरी थी और ये बेंच सीधा पड़ा हुआ था वहाँ पे, और अभी आवाज़ आई मेरे को जब मैं पीछे चली गई थी, तो ये गिरी हुई मिली है मेरे को। गाइज आई थिंक मेरे को यहाँ से जाना चाहिए फटाफट से, क्योंकि बहुत मिस हैपनिंग सा हो रहा है। अभी बेंच भी गिरी हुई मिली, और ऐसा बार बार लग रहा है कि कोई पीछे चल रहा हो हमारे, मम्मी और मेरे, तो अब यहाँ से भागते हैं। गूज़बम्स आ गए। पहुँच गई हूँ अपनी, ऐसा लग रहा है सुकून सा मिल गया अपनी गली में, पहुँच गई। मेरे को बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, तो अब घर जाते हैं, फिर घर पे आपको बताती हूँ एक और चीज़। ओके सो बैक होम। बहुत राहत मिलती है अपने घर आके, एक सुकून सा मिलता है कि भाई अपने अपना घर होता है, और यहाँ मैं आ गई हूँ, मेरे को कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे मेरे को सीरियसली ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, मेरे को लिटरली लग रहा था कि वहाँ पीछे कोई चल रहा है मेरे, या फिर पत्तों की आवाज़ें आ रही थी ज़्यादातर। हवा नहीं चल रही थी, इतनी नहीं चल रही थी, चल रही थी बट इतनी नहीं चल रही थी कि पत्तों की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर की आए। तो कहूँगी उनकी स्टोरीज़ पूरी तरह सच्ची थी, जिनने भी लोगों ने मेरे को बताया उस बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत सेंस हो जाता है इंसान को, नेगेटिविटी फील हो जाती है इंसान को कि जब उसके आसपास होती है, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा और कोई बात थोड़ा नेगेटिव आया मेरे को, सेंस हुआ। अच्छा नहीं लग रहा था जाके, वैसे जब सुबह जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है, बट अब जाके मन कर रहा है ऐसा सुबह भी ना जाऊँ वहाँ पे, शायद मैं नहीं जाऊँगी अब दोबारा उस पार्क में, तो क्योंकि अब अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2 बज गए हैं, बहुत नींद आ रही है, अब सोने का टाइम हो गया। अब यहाँ तक वीडियो देख लिए तो यार सब्सक्राइब और लाइक कर ही दो, लाइक का बटन दबा दो फ्री है, और सब्सक्राइब का बटन तो वैसे भी फ्री है, शेयर का बटन तो पूरा फ्री है, शेयर करो, आगे भेजो वीडियो को, सपोर्ट करो ताकि आगे भी वीडियो ऐसे ही आती रहे। ओके गाइस, सेफ रहिए अपने घरों में, ऐसे जो मैं हरकतें करती हूँ 2 बजे 3 बजे बाहर जाने की आप ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, भरी पड़ी है हॉरर 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 से, हॉरर ही हॉरर। तो हमारा टॉपिक है हॉरर फैक्ट्स। आपने मेरी वीडियो पहले भी देखी होगी हॉरर फैक्ट्स की, वो मेरी सबसे पहली वीडियो थी यूट्यूब पर, अगर नहीं देखी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आज भी वही मैं करने लगी हूँ, बट सेम वही नहीं होगा, ये थोड़ा ज़्यादा स्केरी होगा, क्योंकि इस बार मैं पूरा छांट छांट के लाई हूँ हॉरर फैक्ट्स। तो देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। अब फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप मेरी जो वर्ड्स हैं उसकी भावनाओं में खो जाओगे, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो लाइक कर देना।
अभी जो हमारा वातावरण है इसको हॉन्टेड बना देते हैं, लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं, सिर्फ ये लाइट जलने देते हैं। तो एक मूवी आई थी एग्जॉर्सिस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी थी, लोगों ने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी है। उसका जब ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था तब भी बहुत सारे लोग डर गए थे और उस ट्रेलर को बैन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। बट अब वो मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। है वो ये है, जब एग्जॉर्सिस्ट मूवी बन रही थी उसी दौरान बहुत सारे जो एक्टर्स उस मूवी में थे वो इंजर्ड हो गए थे, उनको चोट लग गई थी और सेट भी एक बार बर्न हो गया था, जल गया था एक बार सेट पूरा। और वहाँ पे प्रीस्ट को बुलाया गया था, फादर को बुलाया गया था, ताकि उस सेट को वो ब्लेस कर सके और प्योरिटी दे सके वहाँ पे। मगर थोड़े टाइम बाद जब वो मूवी बन गई थी, वहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे थे, उस रोल का नाम था बूर्क, जैक मैकगोवर्न ये उन कैरेक्टर्स का नाम था। वो थोड़े टाइम के बाद, उस मूवी के बाद उनकी डेथ हो गई थी इन्फ्लुएंजा से। मगर ये थोड़ा सा स्केरी है कि जैसे ये मूवी बनी उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और ये बहुत गलत चीज़ है कि उनकी डेथ हो गई। और वो मूवी बहुत स्केरी है, बहुत ज़्यादा, अगर आप डेयरिंग हो तो आई थिंक आपको वो मूवी भी देखनी चाहिए। ये वाला है हमारे पास नेक्स्ट। इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने इसको गूगल पे भी चेक किया था और इसमें बिल्कुल सच्चाई थी। एक आदमी रहता था फ्लोरिडा में, वहाँ पे उसके घर पे उसने उसके बेडरूम से उसका भाई वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्ला रहा था। वो फटाफट वहाँ पे गया और उसने अपने भाई की एक अलग ही साइड देखी, मतलब जैसे एक अच्छी साइड होती है एक बुरी साइड होती है, वहीं पे उसने अपने भाई की बड़ी अलग सी साइड देखी और वो घबरा गया उस साइड को देखकर उसकी। फिर उसके बाद जो वो पूरा रूम था उनका, पूरा जो घर में जितने भी रूम्स थे वो सारे स्वेलर्ड हो गए, एक सिंक होल था वहाँ पे। अब पता नहीं वो सिंक होल कैसे बना, और मतलब पूरी चीज़ें एक सिंक होल में जाना पॉसिबल है, बट अगर एक नेगेटिव प्रेजेंस है तो फिर ये पॉसिबल है कि उसका पूरा जो एंटायर रूम था वो एक सिंक होल में चला गया और वो बॉडीज़ कभी भी मिली ही नहीं। रेस्क्यू भी किया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन जब चला था तब भी वो बॉडीज़ उन दोनों की ही नहीं मिली थी। थोड़ा मतलब अजीब सा था कि वो पूरा रूम उसका पूरा सिंक होल में कैसे जा सकता है, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे कोई नेगेटिव प्रेजेंस होगी तभी इसी वजह से ये चीज़ हुई थी। थोड़ा बुरा लग रहा है उनके लिए कि एकदम से लाइफ कैसे पलट गई उन दोनों की। ये जो है ये हॉरर नहीं है इतना, बट तो इसमें थोड़ा दर्द छुपा हुआ है। कम से कम एशिया में 4 मिलियन कैट्स खाई जाती हैं हर साल वहाँ पर 4 मिलियन कैट्स खाई जाती है। मतलब उन कैट्स का क्या, उन्होंने ऐसा क्या किया जो मतलब लोग वहाँ पे उनको ऐसे खा जाते हैं, और कितना अजीब सा लगता होगा उसको खाते हुए या फिर उनको मारते हुए। वैसे तो ये भी एक हॉरर फैक्ट ही है कि कैट्स को मार के खाना, ये हमारे लिए जो लोग नहीं खाते ये जो मतलब ये चीज़ को सुनते ही अजीब सा फील करते हैं, हमारे लिए तो ये हॉरर फैक्ट ही है कि वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे खा सकते हैं एक मासूम सी छोटी सी जान। तो ये वाला देख ही सकते हो आप यहाँ पे फोटो पे। माइक एक हैन का नाम था, एक चिकन का नाम था, और वो हेडलेस था, मतलब उसका सर कटा हुआ था, और सर कटते हुए भी जब उसका सर कटा तब वो 18 मंथ्स तक जिंदा था। मतलब एक हेडलेस चिकन, बिना सर का चिकन इतने टाइम तक कैसे जिंदा था, ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी है कि ऐसे कैसे हो सकता है हमारा सर कट गया है तो हम ऐसे कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, वो भी 18 महीने तक। अगर हम देखें कि 2 घंटे ठीक है, बट 18 महीने तो बहुत ही ज़्यादा हो गया एक्चुअली। तो बहुत सारे लोगों ने इट मूवी देखी होगी, IT, जो जोकर वाली मूवी थी जिसमें जोकर था, उसके 2 पार्ट्स आए थे। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं देखी होगी नहीं देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखना, यूट्यूब पर या फिर नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी आपको। तो ये जो मूवी थी जिन्होंने देखी है, ये मूवी एक रियल इवेंट पे बेस्ड है, कि ये चीज़ रियल है कि जो डेरी था, डेरी उस जोकर का नाम था जो उस मूवी में है, वो एक अनोन पावर, एक अजीब सी पावर से कंट्रोल होता था वो, और हर 27 ईयर्स के बाद वो वापस आता था, और तभी वहाँ पे इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी, मिस्टीरियस चीज़ें होती थी, बिल्कुल अननोन चीज़ें। और जब 27 ईयर्स के बाद वो आता था तो इतने सारे जो बच्चे थे वहाँ पे वो मर्डर हो जाते थे या किडनैप हो जाते थे, ऐसे होता था उनके साथ। तो काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर एक दिन एक बच्चा बिना हाथ के दिखा, एक उसका हाथ था लेफ्ट आर्म, वो मिसिंग था,
और उस वक्त लोगों ने वहाँ पे उसको देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ गए थे कि और बट उस बच्चे की ब्रेवरी भी थी कि वो वहाँ से भाग के आए। ये बहुत ही पुरानी बात है एक्चुअली में, अब मुझे नहीं पता इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बट गूगल पे तो यही लिखा हुआ है। 27 ईयर्स के बाद वो आता था डेरी, और तभी इसी वजह से, इसी रीज़न से हॉलीवुड वो मूवी बनाता था, हर 27 ईयर्स के बाद यही मूवी इट का पार्ट रिलीज़ किया जाता है। पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, बट शायद हो सकता है ये सच हो। तो नेक्स्ट है लूसिड ड्रीम, ये सपने के बारे में है। लूसिड ड्रीम एक सपना होता है जिसमें हमें पता होता है, जैसे हम ड्रीमर है, हम सपना देख रहे हैं, हमें ये चीज़ पता है कि भाई हम सपना देख रहे हैं, उस वक्त हमें अवेयरनेस है कि भाई हमें सपना आ रहा है, हम देख रहे हैं। जैसे कभी कभी बेहोशी में नहीं पता लगता, सो रहे होते हैं तो नहीं पता होता कि हमें सपना देख रहे हैं, सुबह सुबह हम भूल भी जाते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, बट इस ड्रीम में हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं। और इस ड्रीम के दौरान जो ड्राइवर यानी हम हैं, हम अपने इस ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें, जैसे अगर हम ड्रीम में गाड़ी चला रहे हैं तो अगर हम इसको कंट्रोल करें कि हम गाड़ी रोक दें तो फटाफट से गाड़ी भी रुक जाएगी। मतलब साफ सीधी बात यह कि ये ड्रीम हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप, ये अपने आप मूवी नहीं चलेगी, बट हम इसके डायरेक्टर होंगे और हम चलाएंगे इस मूवी को और हम ही एनवायरनमेंट डिसाइड करेंगे इसका, हम जो जो हम सोचेंगे उस ड्रीम के दौरान उस वही वही चीज़ें हैपन होंगी। मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है कि जब मुझे पता होता था कि मुझे सपना आ रहा है एंड मैं उस चीज़ को वो कर सकती थी कि ऐसे होगा वैसे होगा, जिस जिसको ये ऐसे ड्रीम आए हैं या फिर उनको ऐसे लगा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। कॉमन है भांगड़ फोर्ट, जो इंडिया में है, सबको ही पता होगा इसके बारे में। भांगड़ एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे महल, और वो बहुत पुरानी जगह है, वो बहुत स्केरी जगह है, और वहाँ माना जाता है कि सनसेट के बाद वहाँ पे लोगों का आना जाना मन है, बाहर रात को घूमना भी मन है, क्योंकि वो एक हॉन्टेड प्लेस है। मैंने भी इसके बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज़ बनी है, मेरे जो दोस्त हैं दो तीन, उन्होंने भी मुझे बताया कि वो एक दिन भांगड़ जा रहे थे, वापस आते वक्त उनकी जो कार है उनके टायर फट गए थे, और बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ें होती रही थी जब वो जा रहे थे और आ रहे थे। तो ये चीज़ें मैं ज़रूर एक बार भांगड़ फोर्ट जाना चाहूँगी इस पेंडेमिक के बारे में पक्का चाहूँगी, और वहाँ पे व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। सिर्फ सुनने में आई है मुझे, अब मुझे नहीं पता इस चीज़ में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। तो कम से कम ये दिल्ली से 200 माइल्स अवे है भांगड़ फोर्ट, और ये एकदम मतलब जैसे कहना अबंडेड है पूरा, ज़्यादा यहाँ पे तरक्की नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो रखी है इतनी ज़्यादा। और तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे एक प्रिंसेस रहती थी, बहुत सुंदर प्रिंसेस थी वो, और वहाँ पे काला जादू करने वाला एक पुजारी रहता था, उसने प्रिंसेस को एक परफ्यूम दिया था, मतलब किसी के थ्रू भिजवाया था, और उसमें उसने काला जादू कर दिया था कि ये प्रिंसेस जैसी उस परफ्यूम को लगाएगी वो उसकी हो जाएगी, उसके प्यार में बिल्कुल बह जाएगी। बट ये चीज़ प्रिंसेस को पता लग गई थी तो उसने अपनी विंडो से बाहर फेंक दिया था, वो बाहर फेंका था, तो पता नहीं वो वहीं पे वो नीचे खड़ा हुआ था बंदा, और उसको लग गया था, वो लगने के बाद उसको नीचे लग गई पत्थर पे। अब ये तो कहानी है, मुझे नहीं पता क्या सच है इसमें क्या नहीं। तो उसको जब एक पत्थर से वहाँ जब वो नीचे गिरा तो उसने उसको श्राप दे दिया था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तब से वो जो है फोर्ट पूरे भांगड़ वो कर्स है, वो जो काला जादू जो करता था पुजारी उसी ने उसको कर्स कर रखा है अभी भी। तो ये बहुत ज़्यादा स्केरी था, मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ वहाँ पे एक बार। तो मूवी के बारे में तो हमने सुना ही होगा, मैंने पहले हॉरर फैक्ट्स मूवी में भी कॉन्ज्यूरिंग मूवी के बारे में बताया था कि उसमें आखिर क्या क्या हुआ था, जो उस मूवी में एक रोल प्ले कर रही थी लेडी, उसकी बॉडी पे अनइवन मार्क्स थे, कुछ मार्क्स जैसे रेड मार्क्स ऐसे थे। तो ऐसी एक है कि जो फिलिपिनेस है वहाँ पे थिएटर्स में जब वो मूवी ख़त्म हुई थी कॉन्ज्यूरिंग की, तो वहाँ पे प्रीस्ट को यानी फादर को बुलाया गया था ताकि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनको वो ब्लेस कर सके। और ये भी न्यूज़ आई थी कि कॉन्ज्यूरिंग मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया था। जब मैं वो मूवी देखने गई तो मुझे तो लगा था कि मुझे ना हार्ट अटैक आ जाए बट वो मुझे इतनी डरावनी नहीं लगी। और तो वहाँ पे लोगों ने ये कंप्लेंट करी थी उन थिएटर्स में कि उनको एक ये मूवी जब वो देख रहे थे तो उनको एक नेगेटिव प्रेजेंस का फील हो रहा था, मतलब अजीब सी चीज़ फील हो रही थी। जैसे हम मूवी देखते हैं हमें अच्छा लगता है, बट वो मूवी देखते हुए उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा नेगेटिव ही फील हो रहा था, तभी वहाँ पे सबको ब्लेस किया गया था। सारे पार्ट्स कॉन्ज्यूरिंग एनेबल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब वो तो मेरे को आप रात को 3 बजे भी दिखा दो मैं देखने को रेडी हूँ। मैं
पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम सपने देख रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, उस वक्त अगर आपको कोई अनफेमिलियर मतलब कोई अननोन बंदा आपको अपने सपने में दिखता है उस दौरान तो ऐसा हो सकता है कि उस इंसान का भूत या घोस्ट आपको उस वक्त देख रहा हो, अगर आपको वो देख रहा हो तभी वो आपके सपने में आ रहा हो और वो एक मैसेज हो आपके लिए। ऐसा मेरे साथ कम एक दो बारी हुआ है आज तक लाइफ में कि मैं अगर सो रही हूँ, मेरे को कोई अनफैमिलियर दिखा, मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे को वो देख रहा था या नहीं देख रहा, बट मेरे को उस वक्त चैन की नींद आ रही थी, ये मुझे ज़रूर पता है। लास्ट वन है कि एक ह्यूमन बॉडी जो एक इंसानी शरीर होता है, अगर उसका गला कट जाता है तो वो बॉडी कम से कम मतलब कॉन्शियस थोड़ी ज़िंदा रह सकती है 20 सेकेंड्स तक। अभी मैंने आपको एक चिकन का बताया था जो 18 मंथ्स तक ज़िंदा था और ह्यूमन बॉडी सिर्फ 20 सेकेंड्स तक ही ज़िंदा थी। ऑब्वियसली चिकन में ज़्यादा प्रोटीन है तो इस वजह से वो ज़्यादा देर तक वो थी, मगर एक ह्यूमन बॉडी बिना सर कटे थोड़ी अजीब सी लगेगी 20 सेकेंड्स तक, ये बहुत वियर्ड है, एक कसम से बहुत ही अजीब था। फैक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे वो आई का ऑप्शन पता नहीं मेरे को, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी पोस्ट होएगी। मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आप कब अपनी वीडियो पोस्ट करते हो, किस वक्त करते हो, तो मैं सैटरडे एट 12:30 PM मैं अपनी वीडियो पोस्ट करती हूँ, ओके। कभी कभी थोड़ा मैं लेट हो जाती हूँ क्योंकि सैटरडे को मैं कभी कभी लेट उठती हूँ इसलिए, तो बट मैं बता देती हूँ आपको सैटरडे 12:30 अपने अलार्म्स लगा लेना, मेरी वीडियो आएगी, ओके। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आने वाली है, ओके बाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि आज ये कोई फूड किसी चीज़ पे नहीं है, ये है आपकी नाइटमेयर्स पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हॉरर वीडियो से जिनको डर लगता है वो ये वीडियो ना देखें, बट देख भी सकते हैं, इतने भी हॉरर नहीं है जितना आप सोच रहे हों। सो मैंने हॉरर फैक्ट्स पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, मैं पहले हॉरर चैलेंजेस भी करती रहती थी बट फिर ना मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया तो फिर मैंने छोड़ दिया हॉरर वगैरह कुछ करना, बट हॉरर फैक्ट्स की बात तो कर ही सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे हॉरर फैक्ट्स जिनको सुन के आपको बिलीव नहीं होगा बट दे आर ऑलमोस्ट 99% ट्रू, ओके। सो फर्स्ट हमारे पास जो फोटो है उसमें ये बताया गया है कि जब हम सो रहे होते हैं और सोते सोते सपने में हमको कोई भूत या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है तो वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये कहना है कि एक ये रियल स्पिरिट है जो आपसे कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रही होती है रात को, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी बहुत वीक होती है रात के टाइम पे, और एकदम से क्या होता है अगर कोई स्पिरिट हमसे कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रही होती है तो हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है और हमको फटाफट से उठा देती है ताकि कोई भी गलत चीज़ हमारे साथ ना हो सके और हमारी सेफ्टी के लिए। इस वजह से हमारे कभी भी बुरे सपने जो हम देखते हैं कभी पूरे नहीं हो पाते। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हम कोई बुरा सपना देखते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता, उससे पहले ही हम उठ जाते हैं। तो थैंक यू हमारी स्पिरिट को कि उसने हमको सेफली रखा है आज तक और आगे भी रखेगा। तो आप लोग भी अपनी स्पिरिट को थैंक यू बोले कि आप लोग भी सेफ रहे। एक चीज़ पहले ही बोलना चाहती हूँ, ये सब गूगल से मिली हुई इमेजेस हैं, गूगल से रिलेटेड सारे कोट्स हैं, सारी लाइंस हैं, इसमें मैंने कुछ बना बुना के नहीं लिखा है, जो वहाँ लिखा है वही मैं बता रही हूँ, तो फिर बस यही बोलना था। तो सेकेंड इमेज वी हैव, इसमें भी यही है, सेम उसके जैसा है कि अगर हम सो रहे हैं, जैसे ज़्यादातर चीज़ें पता नहीं सोते सोते की होती है, एक तो सोना ही एक इंसान का वो होता है कि यार रेस्ट मिलेगा, पता नहीं ये चीज़ें सोने से क्यों रिलेटेड है यार, सोने तो दो चैन से। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। ओ सोना। इसमें यह है कि अगर सोते हुए हमको अपने डेड रिलेटिव्स या डेड फ्रेंड्स दिखते हैं सपने में,
तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे रूम में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, हमको देख रहे हैं या हमसे कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता, हम कॉन्टैक्ट उनसे नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हैं कि जो लोग मर गए होते हैं उन्हीं के सपने आप लोगों को, मतलब डेड पर्सन के सपने आना बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस होता है कि डेड पर्सन के अगर आपको सपने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं या फिर वो कहीं आपके आसपास ही हैं। वो स्पिरिट गुड भी हो सकती है, वो स्पिरिट बैड भी हो सकती है, दोनों केसेस में कुछ भी हो सकता है। सो हमने एनाबेल, कॉन्ज्यूरिंग, ये सारी मूवीज़ तो देखी है और हमको ये चीज़ भी पता है कि ये जो मूवीज़ है ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। जो वॉरेन फैमिली है वो एक रियल घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स थे, है, और उन मूवीज़ में देखने को मिला है कि उन्होंने काफ़ी सारे केसेस जो हैं पूरे करे हैं, कैसे कैसे उन्होंने रियल फुटेजेस भी दिखाई है कॉन्ज्यूरिंग एनाबेल में, आपने देखी होंगी मूवीज़। सो एक एनाबेल डॉल से रिलेटेड है ये, 1970 में एक मदर थी जिन्होंने एन डॉल खरीदी, NANN डॉल परचेज करी थी अपनी डॉटर को बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए, और थोड़े टाइम के बाद उनको ये डिस्कवर होता है कि वो जो डॉल है वो अपने आप मूव हो सकती है, वो लिख सकती है, मतलब उनको कुछ पेपर्स वगैरह मिलते थे लिखे हुए अपने आप ही, ना उनकी बेटी ने लिखा होता था ना किसी और ने लिखा होता था वो चीज़, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस करा है कि यार उस डॉल की वजह से काफ़ी सारी पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं इनके साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उस डॉल को उन्होंने ऑकल्ट म्यूजियम में, जो कहते हैं जिन्होंने वॉरेन फैमिली में सारे जो भूतिया चीज़ें रखी हुई हैं वो उन्होंने उस म्यूजियम में संभाल के डॉल रख दी, और कहते हैं आज भी वो जो डॉल है वो ग्लास के थ्रू थोड़ी सी ऐसे मूव कर सकती है और लोगों को अजीब तरीके से स्टेयर करती है, मतलब एकदम अगर अलग है एकदम अलग है कभी, और एक पल में एकदम अलग हो जाती है। ये चीज़ भी एनाबेल डॉल, एनाबेल मूवी में फर्स्ट उसमें दिखाई गई थी जिसमें वो एक छोटी बच्ची वाला दिखाया था। सो मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था क्योंकि मैं थोड़ी सी डर गई थी। ये हो गई हमारी एनाबेल एंड कॉन्ज्यूरिंग की बात। आई थिंक कॉन्ज्यूरिंग मूवी तो सबने देखी होगी, जिस जिसने कॉन्ज्यूरिंग मूवी नहीं देखी वो कमेंट कर दो। फोर्थ फोटो है हमारे पास जो भी रात से रिलेटेड आ गई है, मतलब रात में नहीं जीना है, नहीं चैन से रहने देना है। ओके, सो इसमें ये है, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, मेरी ना थोड़ी सी जबान लड़खड़ा जाती है जब र र के वर्ड्स ऐसे आते हैं, सो प्लीज़ इग्नोर। ओके, इसमें यह है कि जो स्पिरिट्स होती हैं या फिर कुछ भी होता है वो ज़्यादातर एक्टिव होती हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडी प्लेस पे, मतलब जैसे एयर कंडीशन रूम होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, ठंडी होती है, ऐसे कहते हैं आत्माएं ठंडी होती हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं बट कहते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा ठंडे उसमें हो, बहुत ही ज़्यादा ही ठंडा प्लेस है, एकदम से आप किसी ठंडे प्लेस में विज़िट करते हो, मतलब अननेचुरल ठंडा है वो, ऐसा कुछ, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे स्पिरिट मौजूद है आपके आसपास की। अगर आप कहीं गए हो, सपोज़ आप कहीं गए हो घूमने और एकदम से आप गर्मी से एकदम ठंड में आपको लगने लग जाए एरिया, क्या ठंडा ठंडा कैसे हो गया, समझ जाओ फिर क्या है वहाँ पे, सो फटाफट निकल जाना वहाँ से, ये नहीं ठंडे के मज़े लेने लग जाओ। फिफ्थ वाला बहुत ही ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा डरावना है। सो इसमें है कि भाई बोलते हुए डर लग रहा है, इसमें है एक आदमी होता है उसका अपनी वाइफ से ना ऑलमोस्ट डेली झगड़ा होता रहता है, मतलब उसकी बंदी नहीं थी उसकी वाइफ के साथ, और उनका एक बेटा भी होता था। तो क्या होता है कि फाइट इतनी बढ़ जाती है कि वो बंदा अपनी वाइफ को मार देता है, जान से ही मार देता है। वो बंदा वेट करता है जब तक उसका बेटा सो नहीं जाता, तब तक वो उसकी बॉडी को थोड़ा छुपा के रखेगा घर में, फिर उसका बेटा सो जाता है तो वो क्या करता है उसकी लाश को अपनी बैक पे कैरी करता है एंड फॉरेस्ट में जाता है और वहीं पे उसको गाड़ देता है। बट उसको थोड़ा सा डर ये होता था कि उसका बेटा किसी दिन ये ना पूछे कि उसकी मदर कहाँ गई, कहाँ है मॉम, तो होते हैं ना बच्चे थोड़े से कि लोगों को फ़ोन कर देते हैं कि मेरी मॉम नहीं आई, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बेटे ने कुछ नहीं बोला कि मम्मी कहाँ है या फिर जो भी है। 3 हफ्ते ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो
उसका बेटा ना अपने पापा को ऐसे देख रहा होता है, मतलब एक अलग नज़र से देख रहा होता है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो कहता सन कि मैं आपसे ये चीज़ पूछना नहीं चाहता था, बट ये चीज़ अब मेरे को थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है कि आप हर रोज़ अब मॉम को अपनी बैग पे कैरी करके क्यों घूमते रहते हो। ये चीज़ कितनी ज़्यादा डरावनी है कि मतलब जब उसकी डेथ हुई तो इसका मतलब ही इज़ कैरिंग हिज वाइफ ऑन हिज शोल्डर, और कब से। तो उसी वक्त वो बंदा एकदम साइलेंट हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। बस इतने ही थी। दिस इज सो क्रीपी। कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे सोने की पीसफुली। ओके, सो लास्ट वन वी हैव इज वेरोनिका। वेरोनिका एक मूवी है, काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ओके, सो इस मूवी का नाम है वेरोनिका। वेरोनिका नेटफ्लिक्स पर इस वक्त अवेलेबल है, मैंने देखी हुई है आज से, मतलब एक साल पहले मैंने वेरोनिका देखी थी और लिटरली बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मैं सच्ची में दो दिन तक नहीं सोई थी। एक वेरोनिका जिससे मैं दो दिन नहीं सोई थी, एंड एक सबरीना जिससे मैं चार दिन नहीं सो पाई थी। सबरीना तो वेरोनिका से भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट वेरोनिका, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्केरियस्ट फिल्म है जो आज तक बनी है, और लोग इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो एंडिंग तक पहुँच ही नहीं पाते, उससे पहले ही वो टीवी वगैरह बंद कर देते हैं, मूवी ख़त्म कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि 100 पीपल में से सिर्फ एक बंदा है, मतलब 100 पीपल में से सिर्फ एक बंदा ही होगा ऐसा जो देख पाता होगा मूवी, और उनके लिए बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है मूवी। जो बहुत ही ज़्यादा वीक हार्टेड हैं, जो जिनका हार्ट बहुत जल्दी एकदम से एकदम स्केरी कुछ आता है तो डर जाते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो मैं तो इतनी सारी हॉरर बातें करते करते मुझे ऐसा लगता है कि रात को मेरा सोना भी आज थोड़ा मुश्किल होने वाला है। आपको ये रिलैक्सिंग मतलब सिट एंड रिलैक्स वीडियो अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी मज़ा आया होगा आपको ये देख के। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय।